अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएफ साइंस प्लस कोडिंग एकेडमी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। हम चैप्टर 1 क्लास 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1 न्यूमेरिकल नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने इन क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, मतलब इनकी 10 की पावर में लिख कर फिर उसकी जो स्पेसिफिक उस पावर के वेरिएबल है उसको शो करना है। जैसे के होता है 10^3 के लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो ए है उसको ले लेते हैं 5000 ग्राम। तो हमें पता है ये वो पॉइंट नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है। जब भी किसी नंबर के अंदर डिजिट डेसिमल पॉइंट नहीं होता इसका मतलब उसके लास्ट में हमेशा पॉइंट होता है। अब हमने इस पॉइंट को लेके जाना है 5 के बाद, फर्स्ट नाउन डिजिट के बाद। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो हम क्योंकि लेफ्ट मूव हुए हैं, जब भी पॉइंट लेफ्ट मूव होता है 10 की पावर पॉजिटिव आती है और जितने डिजिट आप मूव करते हैं उतने उसकी पावर में आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ से 5 के पास गए हैं, कितने डिजिट हमने जो है क्रॉस किए, 1, 2, 3 डिजिट्स, 10^3 आ गई और हम क्योंकि लेफ्ट मूव हुए हैं इसलिए ये पॉजिटिव है। अब हमें पता है पॉइंट के बाद हम एक की जीरो रखते हैं, एक ही नंबर रखते होते हैं, बाकी मैंने ख़त्म कर दिए। यहाँ से 5.0 × 10^3 ये बराबर है अब इस नंबर के, सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट लगाया आखिर में, फिर उस पॉइंट को शिफ्ट किया 10^ में लिखा, जितने डिजिट हमने स्केप किए उतने 10^ में आ गए, लेफ्ट मूव हुए थे इसलिए पावर पॉजिटिव है। उसके बाद हमने पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स थे उनमें सिर्फ एक रहने दिया, बाकी ख़त्म कर दिया। हमें पता है 10^3 बराबर होता है के, तो 10^3 जगह के आ जाएगा और ये बन जाएगा 5.0 किलोग्राम या 5 किलोग्राम। तो ये तो पार्ट ए था जो सॉल्व हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपके पास है 2030 वाट, मतलब 2 लाख या 20 लाख आप वाट को कह सकते हैं। अब ये 20 लाख वाट है, इसको हमने प्रीफिक्सेस में लिखना है। देखें प्रीफिक्सेस पे पहला रोल वही है, आपने पहले पॉइंट को देखना है पॉइंट कहाँ है। अब इस पूरी वैल्यू में पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट को लास्ट में अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं कर दिया, होता ही ऐसे जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसका हमेशा लास्ट में होता है। अब हमने पॉइंट को लेके जाना है 2 के बाद, रूल पिछला वाला ही लगेगा। जब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा लेफ्ट मूव होगा तो पॉजिटिव पावर, जितने डिजिट्स मूव होगा उतने पावर में डिजिट आ जाएंगे। देखिए कितने डिजिट मूव हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट मूव होकर हम इधर आए हैं इसलिए हमने 10^6 लिख दिया है। नेक्स्ट रूल भी वही है, पॉइंट के बाद एक डिजिट देने दिए बाकी ख़त्म कर लिए हैं, 10^6 आ गई। हमें पता है 10^6 बराबर होती है मेगा के, कैपिटल एम मेगा होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 2.0 मेगावाट। समझाइए आपको ये कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी इंटीजर को इस तरह लिखने का। थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 52 × 10^-10 किलोग्राम। अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीफिक्सेस किलो गिवन है, हमने इस किलो को एडजस्ट करना है इसके साथ और फिर फाइनल जो प्रीफिक्स आएगा उसको लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने किलो की वैल्यू होती है 10^3 वो मैंने लिख दी यहाँ पे, सही है, हमने यहाँ पे फाइंड की थी अगर आप हमें शुरू से इसको देख रहे हैं। इसके बाद हमने 52 पॉइंट पॉइंट नहीं था, लास्ट में 0.0 भी लगाया और इस दोनों पावर्स को क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी हमने ऐड करवा दिया, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने 10^ जो है वो ऐड करवा दिया। हमारे पास 10^ आ गई -7। अब 10^-7 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10^ हमेशा -6 का प्रीफिक्स होता है, तो 10^-6 लाने के लिए हमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया। देखिए हमने कहा था ना यहाँ पे पीछे दोनों में बात किया, जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव पावर आती है। हमने पॉइंट को 2 से 5 पर शिफ्ट किया है, 1 डिजिट शिफ्ट किया है, 10^1 हमारे पास यहाँ पे -7 में ऐड हो गई है, ये बन गई 10^-6 और हमारे पास 10^-6 बराबर होती है किसके, इसको कहते हैं माइक्रो, ये माइक्रो के बराबर होती है 10^-6, ये यू होता है और इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये 5.2 माइक्रोग्राम हमारा रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में है 25 × 10^-8 सेकेंड। सबसे पहले वही काम करना है, हमने डेसिमल पॉइंट लगा देना है, सही है। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हमने इस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेके जाना होता है, जैसा काम हमने यहाँ किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी करना है। इसको यहाँ लेके आएंगे तो 10^ क्या हो जाएगी, -8, तो ये वाली आ गई। पॉइंट हमने 2 डिजिट मूव किया है, 10^2 यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर 10 की पावर -8 और 2 आपस में ऐड होंगे तो -6 बच जाएगा, क्योंकि दोनों 10 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर इनकी ऐड होकर -6 देंगे। दोबारा -6 किसके बराबर होता है, हमें पता है माइक्रो के बराबर होता है, तो इसको प्लेस करेंगे तो 2.25 माइक्रो सेकेंड बन जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।